ऑलराइट दोस्तों, बहुत एक इंटरेस्टिंग फोन आ गया है हमारे पास और मैं बताने वाला हूँ क्यों इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ। ये है मोटो G72। यस, G71 का सक्सेसर है, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि वो G71 का सक्सेसर है क्योंकि ये एक 4G फोन है। अब आप कहोगे कि 5G लॉन्च हो गया है और क्यों भाई आपको 4G फोन लेना है। आई टेल यू व्हाट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 4G फोन्स अंडर 20,000। देखिए, अगर 5G आपको इंपॉर्टेंट नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। और याद रखिए, हमारा स्मार्टफोन बाइंग गाइड का वीडियो देखिए, चेकलिस्ट बनाइए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप फोन लीजिए। तो उस लिस्ट में अगर 5G आपका तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पे होगा देन डेफिनेटली मोटो G72 के पास आपने देखना चाहिए। नाउ लेट्स डू अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। जी हाँ, आपको पता चलेगा कुछ कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं इस फोन के बारे में। लेट्स वेट, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। ऑलराइट, अल्ट्रा रेजोल्यूशन 108 मेगापिक्सल कैमरा। ओके, बाकी सब देखेंगे। और क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। 33 वॉट का ब्रिक आता है, जी हाँ 33 वॉट चार्जिंग है इसमें। एंड USB टाइप C टू टाइप A चार्जिंग केबल, दैट्स अबाउट इट इन द फोन, और कुछ नहीं है। देखते हैं फोन के पास। वैसे केस जो है दोस्तों फोन में लगी हुई आती है, इट डज नॉट कम आउट सेपरेटली। एंड केस की क्वालिटी मैं कहूंगा डिसेंट है, अच्छी क्वालिटी है। ऑलराइट, लेट्स रिमूव दिस। पहली बार जब आप ये फोन हाथ में लोगे यू विल नोटिस वन थिंग, दिस इज सुपर लाइट एंड पतला भी बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आई थिंक इट इज 7.99 mm। और पीछे जो है दोस्तों बैक दैट इज स्लाइटली कर्व, बट साइड्स जो है वो फ्लैट साइड्स हैं। इट लुक्स लिटिल बिट लाइक एज सीरीज फोन। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद दिस इज वेरी वेरी लाइट। इनफैक्ट मुझे लगता है 180 ग्राम से भी वो, या फिर 170 ग्राम के करीब होगा मेरे हिसाब से। लेट्स डू द टेस्टिंग। If it is around 170 grams, that will be crazy. Let's see. What? This is 165.6. 165.6 ग्राम है दोस्तों, दैट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन डेफिनेटली। और याद रखिए, बड़ी स्क्रीन है, बड़ी बैटरी है, सब कुछ होने के बावजूद इतना लाइट है, सो अ बिग थम्स अप देयर। पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है, 3.5 mm जैक भी है, USB टाइप सी है, और ऊपर डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। सो जो स्पीकर्स हैं वो डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे आता है जो कि एक नाइस हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, या तो आप दो सिम कार्ड या फिर एक SD कार्ड एंड एक सिम कार्ड इस्तेमाल कर पाओगी। ऑलराइट, आगे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है, लेकिन फिर भी हम गिरा के देखने ही वाले हैं। लेट्स डू इट। लाइट वेट फोन है तो ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, किसी ने हमें सजेशन दिया कि थोड़ा साइड से आप गिराते जाओ, सो मैं ऐसे गिराने वाला हूं। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। कॉर्नर पे गिरेगा यानी ऐसे सीधा नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। वेरी नाइस, बैक जो है वो प्लास्टिक है, एंड जैसे मैंने कहा जो लुक है ना, इट इज मोर लाइक एज सीरीज प्रीमियम दिखता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी जो प्राइस है वो है 18,999, लेकिन 1000 ऑफ है तो 17,999 में मिलने वाला है। और अभी जो सेल, दिवाली का सेल वगैरह आएगा, उसमें अगर और भी ऑफर्स मिले तो दिस विल बी क्लोजर टू 15,16, बट इसकी प्राइस जो है मैं कहूंगा 17,999 है, उस हिसाब से देखेंगे। दोस्तों इस फोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है मैं डेफिनेटली कहूंगा, इट इज द डिस्प्ले। 6.6 इंच का POLED 120Hz डिस्प्ले आता है विद 1300 nits ब्राइटनेस। जनरली अंडर 20,000 के स्मार्टफोन देखोगे तो 1000 nits तक, 1100 nits तक ब्राइटनेस होता है, बट दिस वन इज 1300 nits, वेरी वेरी ब्राइट। और अगर डिस्प्ले के पास भी देखोगे, नीचे की चिन जो है दोस्तों बहुत ही पतली है, सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज रियली गुड, इवन बेजल्स आर क्वाइट स्मॉल। ओवरऑल दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मॉडर्न फोन। और बड़ी चीज बताऊं दोस्तों, ये 10-bit डिस्प्ले है, तो डेप्थ कलर की जो डेप्थ वगैरह आपको दिखेगी, जो कलर सैचुरेशन आपको इसमें दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी नाइस। NTS टच सैम्पलिंग रेट 576 Hz है, इसलिए आप गेमिंग के लिए वगैरह फोन देख रहे हो, या वेरी गुड। और गेमिंग के लिए क्यों, क्योंकि ये एक नए चिपसेट पे आता है, 4G चिपसेट है, बट दिस वन इज ऑन हीलियो G99 प्रोसेसर जो लेटेस्ट है, 6nm प्रोसेसर है, सो इट इज पावर एफिशिएंट एज वेल। अगर आप अंतुतु स्कोर इसका देखोगे 3,75,000 के करीब आता है, अराउंड 3,75,000। एंड एक मिड रेंज फोन में अराउंड 15,000 to 20,000 के प्राइस रेंज में जो फोन है दोस्तों, उसमें वन ऑफ द बेटर गेमिंग स्मार्टफोन मैं कहूंगा, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले 120Hz एंड 576Hz TSR। वैसे इसमें एक ही वेरियंट आता है दोस्तों, 6 GB
जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज, LPDDR4X रैम टाइप है, UMCP स्टोरेज टाइप है, इसका मतलब UFS 2.1 से ज्यादा, अराउंड क्लोजर टू UFS 2.2। और एक बड़ी चीज जो मुझे सरप्राइजिंग लगी, 5000 mAh की बैटरी, इतना लाइट एंड थिन फोन होने के बावजूद 5000 mAh की बैटरी है, 6nm प्रोसेसर होने की वजह से आराम से आपको 1.5 दिन तक ये बैटरी जाएगी, इवन इन ऑन मॉडरेटली हैवी यूसेज। और हाँ, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एंड मोटरोला के फोन्स आपको पता है, दे गिव यू नियर स्टॉक एक्सपीरियंस, इनफैक्ट जो एक वैनिला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस होता है वो आपको मोटरोला के फोन्स के साथ मिलता है, बट यू ऑल्सो गेट कस्टमाइजेशन, माई UX वगैरह जो होते हैं, चॉप चॉप के लिए स्टार्ट करना या कैमरा स्टार्ट करना, वो सब चीज़ें आपको मिलते हैं, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी आपको मिलते हैं। और जनरली हमने मोटोरोला फोन्स के साथ देखा हुआ है कि OS जो है बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि ब्लोटवेयर वगैरह ज़्यादा नहीं होता है उसके अंदर। सो अगेन, नो प्रॉब्लम्स अबाउट OS। अपडेट्स के बारे में बात करूं तो एक साल का मेजर अपडेट मिलेगा, मतलब आपको एंड्रॉइड 13 मिलेगा, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। और एक चीज़ दोस्तों मुझे अच्छी लगी, सभी सेंसर्स वगैरह आते हैं, बट बहुत सारे जो इनफैक्ट ऑल ऑफ द जी सीरीज फोन्स आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, या तो साइड माउंटेड या एट द बैक, दिस वन हैज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक भी आता है एंड बाकी सेंसर्स भी आते हैं, एंड एवरीथिंग वर्क्स क्वाइट वेल। वैसे OS के बारे में और एक चीज बता दूं, आपको 1.5 GB वर्चुअल रैम मिलती है, और हाँ, सिक्योरिटी के लिए थिंक शील्ड है जो जनरली थोड़े महंगे फोन्स में आता है, इसमें भी आपको थिंक शील्ड दैट सिक्योरिटी लेयर मिलती है, सो या दैट इज गुड। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपको डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई आता है, एंड ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, और इसमें नीमो आता है, दैट मींस कैरियर एग्रीगेशन को भी ये सपोर्ट करता है। वैसे इसमें कलर वेरिएंट्स दो है, एक तो ग्रे कलर है एंड ब्लू कलर, आई थिंक ब्लू इज बेटर। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं, और उधर भी मुझे एक चीज अच्छी लगी, धीरे धीरे मोटोरोला जो है वो उनके स्मार्टफोन्स पे काम कर रहा है। जी हाँ, मोटोरोला फोन्स आर जनरली नॉट नोन फॉर कैमरास, लेकिन मुझे इसके जो रिजल्ट्स है, ये 108 मेगापिक्सल का लेटेस्ट HM6 सैमसंग का सेंसर आता है, सो लेटेस्ट सेंसर है, और फोटोज में नजर आता है, इनफैक्ट अंडर 20,000 दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स। वैसे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आता है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। सरप्राइजिंगली सेल्फी कैमरा भी मुझे अच्छा लगा दोस्तों, ओवरऑल दिस इज अ गुड कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000, दैट ऑल्सो आई विल से। एंड फाइनली मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा नहीं, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, व्यूइंग एंगल्स आपके बहुत अच्छे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, एंड ट्यून बाय डॉल्बी एटमॉस, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। सिर्फ इधर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह, हमने नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो वगैरह इसके ऊपर देखा, HDR का अभी सपोर्ट नहीं है, बट वी स्पोक टू मोटोरोला गाइस, और उन्होंने कहा कि अपडेट के द्वारा आपको HDR भी मिलने वाला है, सो या दैट इज देयर। तो अगर मैं सम अप करूं इस फोन को दोस्तों, तो ये एक 5G फोन नहीं है, तो अगर आप 5G देख रहे हो तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ 4G फोन, बट बाकी के स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप देखोगे, फीचर्स वगैरह देखोगे, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इट इज वन ऑफ द बेटर 4G फोन्स। और एक्चुअल गेम्स भी हमने खेल के देखे, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे, 40 FPS कंसिस्टेंटली आपको फ्रेम रेट मिलेगा, सो गेमिंग इज डिसेंट। और बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इसमें, FM रेडियो का सपोर्ट है, SAR वैल्यू इज विद इन लिमिट्स, IP52 वाटर रिपेलेंट डिजाइन आता है, तो थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह गिर गए, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर मैं कैमरा ऐप के फीचर्स के बारे में बात करूं, तो जनरली जो एज के कैमरा ऐप्स है दोस्तों, उनके जो मोटो एज, फ्यूजन एंड अल्ट्रा, उसमें जो है वही सब फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी में अगर बात करूं तो 4K रिकॉर्डिंग नहीं है इसके अंदर, 1080p एट 60 FPS आप कर पाओगे, सो अगर 4K होता डेफिनेटली अच्छा होता। सो फाइनली मोटो G72 कैसा है, जैसे मैंने बताया, अगर आप 5G इग्नोर करोगे तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट 4G फोन्स एट दैट प्राइस रेंज। और याद रखिए, 4G बंद नहीं होने वाला है, अगले 5-6 साल तक 4G होने वाला है, सो ऐसे नहीं है कि 5G आने के बाद 4G बंद हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जी हाँ दोस्तों, यही है मोटरोला G72। वैसे अगर आपको इस फोन के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और भी कुछ होगा डू टेल अस, अगर फीडबैक देना है आपको अनबॉक्सिंग के बारे में वो भी जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।